समघात वर्ड आज तक जहाँ भी कभी भी आया है तो उसका वर्ड यही रहा है, इसका मतलब यही रहा है कि जैसे मान लिया सपोज करिए अगर एक टर्म एक्स स्क्वायर हो जाए तो उस एक्सप्रेशन में दूसरी टर्म फिर वाई स्क्वायर हो जाए, तीसरी टर्म अगर है तो 3xy ऐसे करके हो जाए। कहने का मतलब है जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पार्ट्स जो हैं वो सेम रहनी चाहिए। तो समघात की बात कर रहे थे हम, तो दो पावर यहाँ भी है, दो पावर यहाँ भी है और यहाँ पर भी दो ही पावर हैं। देखिए x की पावर एक, y की पावर एक, मिला करके वेरिएबल्स की दो ही पावर हैं। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस जो हैं जिनमें कि घातें सेम हों वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं, होमोजेनियस। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट आएगा आपके पास, जैसे मान लिया सपोज करिए इस तरह का हो जाएगा, dy by dx is equal to एक्स वाई में ऊपर भी फंक्शन है और डिवाइड में भी एक्स वाई में फंक्शन है। आप इस तरह से लिखें, यदि अवकल समीकरण dy by dx is equal to समथिंग के रूप की है जहाँ एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई, मतलब एक्स वाई के फंक्शंस ऊपर भी हैं, एक्स वाई के फंक्शंस नीचे भी हैं, ऊपर वालों की भी जो घात होगी वो नीचे वालों के भी घात के बराबर होगी, ये कंडीशन यहाँ पे आती है, जहाँ एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई में प्रत्येक पद की, मतलब इसके अंदर टर्म्स भी हो सकते हैं, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, नीचे भी समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, तीनों ऊपर तीनों नीचे के टर्म की घातें समान होनी चाहिए। एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई में प्रत्येक पद की घात समान है, कॉमा समघात अवकल समीकरण कहलाता है। इस तरह का एक्सप्रेशन जिसमें ऊपर नीचे दोनों जो ये फंक्शंस हैं इनकी घातें समान हैं, समघात। समघात का मतलब यही है। फॉर एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एक्स माइनस वाई, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए। और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई, या फिर इनका प्रोडक्ट करके आपको दे दें, इसी को जैसे ऐसे लिख दें, एक्स एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स डी एक्स, इस तरह का। या फिर इसे आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, टू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। हर टर्म की पावर जो है वो सेम है, तो ऐसे केसेस में हम उसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मेट, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल इस तरह से आपको बना के दिया जाए, हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो और उसको फिर आप इस तरह से एडजस्ट करोगे। तो ये तरीके का तो एग्जांपल ये है, लेकिन क्वेश्चंस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी दिया जा सकता है, आपको इस फॉर्मेट में अरेंज करके तब पहचानना पड़ेगा कि ये समघात है। अब धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि एक्सरसाइज जैसे मेथड बता के एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अब ये खिचड़ी ऐसी पक जाएगी कि आप जो है वो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि रैंडम क्वेश्चन अगर मैं दे दूं कागज़ पे लिख के तो आप थोड़ा सा फील करेंगे कि सारे टेस्ट आपको पता होने चाहिए, सारे मेथड्स, फिर कौन सा लगेगा ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए जब समराइज़ हो जाएगा तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से चलने की ज़रूरत है। अब मैंने बताया था हम ऐसे कमरे में चल रहे हैं जहाँ फिसल सकते हैं, अब बिल्कुल वो कंडीशंस आ चुकी हैं हमारे सामने। तो पहले तो इशारे से आप धीरे धीरे हर सारे मेथड समझ जाइए, फिर ओवरऑल एक चार्ट बनाना पड़ेगा आपको मेथड्स किस किस तरीके के हैं और किस किस तरीके के उसके सॉल्यूशन करने के तरीके हैं और फिर किस किस तरह के क्वेश्चंस उसमें हो सकते हैं। ठीक है, हमने ये कर लिया, अब हम हेडिंग डालेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे। लिखिए हेडिंग, हल करने का तरीका, मेथड टू सॉल्व। किसी मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया होगा क्या तरीका है ना, हमें तो बस मेथड पढ़ना है। स्टेप नंबर वन, स्टेप वन में है कि अगर आपको कैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर इक्वेशन दी है तो सबसे पहले आप इस फॉर्मेट में उसे लाएंगे। लिखिए स्टेप नंबर वन, दिए गए समीकरण को डी वाई डी एक्स इक्वल टू इतना इतना के रूप में लिखिए। स्टेप टू, इसमें क्या करेंगे हम, ध्यान देखिए, आपको अब ये याद ही करना है, रटना है इस चीज़ को, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स। मतलब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, जो x और y हमारे दो वेरिएबल थे, हम y को vx में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, यानी कि अल्टीमेटली x और v में आ जाएगी इक्वेशन, और उससे फ़ायदा क्या मिलेगा वो आगे की बात है। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। अगर y वी एक्स पुट होगा तो dy by dx भी कुछ बदलेगा, तो हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें, dy by dx इज इक्वल टू फर्स्ट और सेकेंड है तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इसका वन प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स।
पुट वाई एंड दिस वन, ये वाली चीज़, दोनों इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर फिक्स्ड है ये सब्सटीट्यूशन, y इज इक्वल टू वी एक्स हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और उससे y की जगह डी वी एक्स रखने से डी वाई बाई डी एक्स हमारा भी कन्वर्ट हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ रख दोगे और यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स रख दोगे। अब देखिए इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जैसे ऊपर आपका टर्म था सपोज एक्स स्क्वायर, नीचे आपका टर्म था एक्स वाई, सेम पावर थी, टू यहाँ पे है तो टू यहाँ पे भी है। जब आप y इज इक्वल टू वी एक्स रख दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वी एक्स, मतलब y के अंदर भी आपने x इंट्रोड्यूस कर दिया है, इससे क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा और dv बाई dx यहाँ पे लिखा होगा आपने, ये वाला चीज़ जो है, तो हमारी इक्वेशन v और x में बन जाएगी। तो एक स्टेप नंबर नेक्स्ट लिखिए, दाएं पक्ष से x हटा दें या कट काट दें, वो कट जाएगा ही अपने आप, वो तो कैलकुलेशन अपने आप ही दिखेगी आपको। उसके बाद जब आप ये राइट साइड में x काट दोगे और अब जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी वेरिएबल सेपरेबल में चली जाएगी। इतना सब करने से आपका हुआ क्या कि आप वेरिएबल सेपरेबल में पहुँचे, यानी कि पहले केस में जो आपने काम किया था उतने काम पे पहुँचोगे, उस स्टेप पे पहुँचोगे। तो स्टेप नंबर 4 लिख दीजिए, अब समीकरण को चरों के पृथक्करणीय रूप में परिवर्तित करो। नेक्स्ट स्टेप, अब वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, जब वेरिएबल सेपरेबल में आ गई, सेपरेट कर दी आपने वेरिएबल, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ये जितने भी एक्सप्रेशन है प्लस सी ये सब काम करना है। तो नेक्स्ट लाइन में समाकलन करो, इसके बाद हाँ नेक्स्ट स्टेप लिख दिया, स्टेप नंबर 5 समाकलन करिए या समाकलन करो। अब स्टेप नेक्स्ट, जो आपने y इक्वल टू वी एक्स लिख लिया था और v आ गया था आपके अंदर, तो v के वैल्यू y अपॉन x वापस सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो लास्ट वाले स्टेप नंबर 6 में लिखिए, प्राप्त सॉल्यूशन में v इज इक्वल टू y अपॉन x, यहीं से लिया है ये, क्योंकि v में आ गया था ना, हमने अपना काम चलाने के लिए v में कर लिया, अब v हमें चाहिए थोड़ा ना, तो y v इक्वल टू y अपॉन x ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। प्राप्त सॉल्यूशन में v इक्वल टू y अपॉन x रखो। एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा हल्का लेंगे इसके ऊपर, क्वेश्चन है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम है कि ये तो अभी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके दे रख, मतलब सब एक्सप्रेशन दे रखा है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू और समथिंग अपॉन समथिंग, वो एफ एफ वाई एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई, वो वाला फॉर्मेट है ही नहीं। तो सबसे पहला काम है उसे उस फॉर्मेट में चेंज करिए। तो हम इस डी एक्स को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा टू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, डी वाई के नीचे डी एक्स ले आइए, इज इक्वल टू माइनस अंदर कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और टू एक्स वाई नीचे आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी, विच इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये स्टेप नंबर 1 में कम आए हम, स्टेप नंबर 1 कम्प्लीट हुआ है, हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में लिख लिया है जैसा फॉर्म हमने पढ़ा है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जब ऐसे फॉर्मेट में आ जाए तो y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दें। तो देखिए पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, डिटेल में जैसे पहले लिख दिया था ना एक बार, अब इतना तो आप कर ही सकते हो, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड वन हो जाएगा प्लस सेकंड एक्स हुआ और डिफरेंस ऑफ फर्स्ट यानी कि डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों चीज़ें इन फर्स्ट फर्स्ट में रख रहे हैं हम। कुछ समस्या है क्या सर, एक्स वाई की पावर ऊपर नीचे सेम नहीं है? नहीं सेम है, देखो प्रत्येक पद में एक पद तो ये बना, एक पद ये बना और एक पद ये बना। एक्स वाई की पावर की बात नहीं थी, एक्स वाई की टोटल पावर की, प्रत्येक पद की घात, तो पद की घात यहाँ पे दो है, यहाँ पे पद की घात दो है, यहाँ पे इस पद की घात भी एक और एक मिला के दो ही है, तो ये समघात है। तो हम इसमें रख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, आप लोग भी साथ में करते जाइएगा, है ना, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स ये हमने रखा लेफ्ट साइड में इसकी जगह पर, और इज इक्वल टू यहाँ पे वाई की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x और vx, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हैं यहाँ पर, डी वाई डी एक्स की ये करी है वैल्यू। इक्वेशन में हमने y इक्वल टू वी एक्स पुट किया है, डी वाई डी एक्स ये आ गया, ये दोनों चीज़ें वापस से हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि x स्क्वायर यहाँ से कॉमन, तो v स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पर क्या हुआ
टू एक्स स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर कैंसिल। यही कहा भी गया था कि एक्स स्क्वायर को काट देंगे हम वहाँ से, और यहाँ पर आपका क्या रह गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना। ये v का ही एक्सप्रेशन बचा है और ये भी v है, इसको माइनस कर दीजिए जाके उधर, वेरिएबल सेपरेबल में अब करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो v स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू वी और माइनस का v, ये v उधर ले गया मैं। इन कैलकुलेशंस में कुछ भी शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जल्दबाजी में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम हो गया 2v, तो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस वन माइनस और 2, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन टू वी, ये हो गया आपका x dv बाई dx सारा। देखिए v अलग है, x अलग है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगा। ये गलत हो गया थोड़ा, यहाँ ये 1 है ना, 2v से होगा मल्टीप्लाई तो 2v स्क्वायर आएगा, तो ये ना आकर के v स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर, यानी कि माइनस का v स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू वी, ये चीज़ आएगी। एलसीएम लेने में मिस्टेक हो गई थोड़ी, माइनस कॉमन ले लें तो v स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू वी एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी वाले इकट्ठा कर देंगे। आप मैं मिटाने जा रहा हूँ, कोई बताए मुझे इसमें कोई गलती तो नहीं हो गई मेरे से, या फिर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। एक गलती थी वो तो पकड़ ली खैर हमने। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, टू वी वी सब इधर ले आओ, टू वी अपॉन इधर आएगा वी स्क्वायर प्लस वन और माइनस माइनस उधर ही रहने दो डी एक्स और अपॉन एक्स और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप चल रहा है। अब समाकलन कर दो, जब वेरिएबल सेपरेबल में आ गया तो समाकलन कर दो, तो 2v बाई वी डी वी कहाँ रह गया, ये dv भी तो रहेगा इसके साथ, 2v बाई वी स्क्वायर प्लस वन डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। वी स्क्वायर प्लस वन इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पुट कर लेंगे, वी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट करेंगे जब आप तो ये हो जाएगा 2v dv इज इक्वल टू dt। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अब नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रल डी टी ओवर टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स प्लस सी। वेरिएबल सेपरेबल पे पहुंचते ही फिर आप पुराना, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है वेरिएबल सेपरेबल, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ये सब काम करने में। अब मुझे तो चूंकि वीडियो का बना रहा हूं, तो इसलिए एक बार पूरा प्रोसीजर करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा पहली बार में होमोजीनियस ही का वीडियो खोल ले, अब मैं शॉर्ट कर दूँ यहाँ पे यहाँ फिर कर लेना तो वो चीज़ ठीक नहीं रहती। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका log ऑफ t इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x और प्लस, अब c की वैल्यू जैसे आप अपनी मर्जी से डाल लीजिए, आपने जैसे log k कर लिया जैसे सपोज करिए, ठीक है ना, जब आपको पता चल जाए, जैसे शुरू में नहीं पता है तो आप c रखो, और जैसे ही पता लगने लगे कि भैया सब log में आ रहा है, log में अच्छा रहेगा, तो c की वैल्यू आप तुरंत कोई और वेरिएबल मान के, कोई और कांस्टेंट मान के लॉग के कर दो, या पहले के चलाओ तो बाद में लॉग सी कर दो, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टी की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, लॉग टी की वैल्यू वन वी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू, या इसको इधर ले लो पहले, या वहीं रखा रहने दो, जैसी मर्जी आपकी। आपने कई सारे क्वेश्चन इस तरह से कर रखे हैं, तो यहाँ पे माइनस प्लस है तो लॉग के अपॉन एक्स इसको लिख सकते हो आप, लॉग लॉग हट जाएगा तो वी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू के बाई एक्स, यानी कि के x इंटू वी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू के। ये आया है सॉल्यूशन हमारा v और x की फॉर्म में, जब सॉल्यूशन आ जाए वेरिएबल सेपरेबल का। अब सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू, y इक्वल टू वी एक्स था तो v इक्वल टू y अपॉन x, ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू के। इसमें थोड़ा एलसीएम ले लें तो एक x कट सकता है, x स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए अंदर, एक x बाहर है ही, और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, उधर चला जाएगा के एक्स, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सही है आंसर इसका, ठीक है, यानी कि गलती नहीं हुई कोई। हाँ सही है, ये गलती देखो पकड़ ली इन्होंने, अभी इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं था ना, इंटीग्रेटिंग करते ही सी आएगा। चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और दो क्वेश्चंस में और प्रैक्टिस कराता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हमारे पास